नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जनपद में अभी कुछ जगहों पर छिटपुट वर्षा होती रहेगी, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में वर्षा होगी, लेकिन कितनी वर्षा होगी इसका अनुमान नहीं आया है, क्योंकि कुछ जगहों पर वर्षा हो रही और कुछ जगहों पर नहीं हो रही है, लेकिन जनपद में अभी कुछ दिनों तक हल्की वर्षा होती रहेगी। उन्होंने बताया कि कहीं पर तेज बारिश होगी, इसलिए घर से बाहर निकलें तो सचेत ऐप के माध्यम से वर्षा का अनुमान प्राप्त कर लें। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, बारिश को लेकर के अपडेट तो मिला हुआ है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में वर्षा होगी, लेकिन किन क्षेत्रों में होगी, कितनी होगी, इसका अभी कोई पूर्वानुमान नहीं है, क्योंकि स्कैटर्ड रेनफॉल हो रहा है। कुछ जगहों पे बारिश हो रही है, कुछ जगहों पे नहीं भी हो रही है, लेकिन वर्षा का ट्रेंड अभी मौसम विभाग द्वारा दिया गया है कि इस क्षेत्र में अभी आगामी दिनों में वर्षा रहेगी। होती है, बिल्कुल होगी, हल्की फुल्की वर्षा भी हो सकती है, कहीं पे बहुत तेज बारिश भी हो सकती है, तो ये मौसम का ट्रेंड अभी बना रहेगा। नागरिकों से यही अपील है कि जो वर्षा का जो इस समय ट्रेंड है उसको ज़रूर देखने लायक है, मतलब उसमें विचार करने लायक है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा वर्षा हो रही है। इस लिहाज से जब भी कभी घरों से बाहर निकले, मौसम खराब रहे, तो थोड़ा सा इसका एक सचेत ऐप के माध्यम से पूर्वानुमान जरूर प्राप्त कर लें, और साथ ही अगर बिजली गिरने की संभावना हो तो दामिनी ऐप जरूर चेक करें, और दामिनी ऐप देख करके ही अपनी यात्रा को करें। अगर जिस तरफ जा रहे हैं अगर उधर बिजली गिरने की कोई संभावना हो तो अपनी यात्रा को कुछ देर के लिए टाल दें।